hello students and welcome back to bankexamstudy.com my name is ramandeep singh so students today's topic is what to study for banking knowledge section banking knowledge section kliya cap and najay for central bank of india scale 3 and scale 4 exam so students if you see the exam pattern before starting let me tell you central bank of india scale 3 scale 4 course is already available on bankexamstudy.com we are providing complete video classes notes test series power capsules live sessions and interview preparation guidance on bankexamstudy.com so all the links are available in the description. You can access the calls from your mobile devices via mobile apps or desktop dashboard. This is a WhatsApp number where you can contact us. So this is a uh, exam pattern students. There is banking of 60 marks. There is computer knowledge and there is present economic scenario and general awareness 60 2020 20. 60 2020 20 is there. सो एज यू कैन सी एटी मार्क्स डायरेक्टली कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं है बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में राइट सो स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस की बैंकिंग स्पेसिफिकली बैंकिंग में क्या पढ़ना चाहिए आपको वट यू शुड स्टडी वट शुड बी योर सोर्स ऑफ स्टडी मटीरियल दैट्स वट वी आर गोइंग टू डिस्कस वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे हाउ टू टैकल दिस पर्टिकुलर सेक्शन यू शुड स्टार्ट योर प्रिप्रेशन आई हैव ऑलरेडी डन द एनासिस ऑफ प्रीवियस एग्जाम्स हम आठ साल से पढ़ा रहे हैं और हमने पिछला आई गेस ट्वेंटी ट्वेंटी वाला जो था एग्जाम हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमने वो भी पढ़ाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी पढ़ाया है जर्नलिस्ट ऑफिसर भी पढ़ाया है एंड वी हैव बिन टीचिंग फॉर द वेरियस क्रेडिट ऑफिसर एग्जाम्स आर आर बी स्केल टू भी हम पढ़ाते हैं सो so, पिछले एग्जाम में आर बी आई के सर्कुलर्स काफ़ी सारे आए थे हाउ टू स्टडी आर बी आई सर्कुलर दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले तो गाइडलाइंस पढ़नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर में क्या बोला गया है इन मोस्ट ऑफ द सर्कुलर्स होता क्या है कि देर इज अ मास्टर सर्कुलर ओके मास्टर सर्कुलर कौन से हैं बहुत सारे मास्टर सर्कुलर हैं जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का है केवाई का है राइट सिमिलरली काफ़ी सारे मास्टर सर्कुलर हैं जो मेन गाइडलाइंस हैं आर की वो आ गई उसमें कोई भी चेंज होता है इफ़ देर इज एनी चेंज इन दीज मास्टर सर्कुलर्स दैट इज रिलीज्ड बाय गाइडलाइंस उसको गाइडलाइंस के थ्रू जो है अपनी वेबसाइट परी आई जो है नोटिफिकेशन टैब के अंदर इसको प्रोवाइड करता है अगर आपको पी के बारे में बेसल नॉम्स के बारे में पी एस एल बेसल नॉम्स के अगर आपने इसका मास्टर सर्कुलर वाले सेशंस नहीं देखे हैं हमारे या आपको खुद खुद से इसका इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है तो आप गाइडलाइन कैसे समझोगे नहीं समझ पाओगे या एन की कैटेगराइजेशन का सर्कुलर है एन के रिलेटेड कोई सर्कुलर है या मास्टर सर्कुलर आया था डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफ देयर डायरेक्टर्स बैंकिंग ओमब्समैन की स्कीम है ओम्बसमैन वाली जो स्कीम है बैकिंग ओम्समैन उसकी प्रॉपर आपका सर्कुलर है मास्टर सर्कुलर वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसकी अपडेट्स कैसे पढ़ सकते हो यू हैव टू स्टडी द मास्टर सर्कुलर ठीक है सो ऑलवेज स्टडी द मास्टर सर्कुलर देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द गाइडलाइंस आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली आर के वेबसाइट पर जाते हैं कभी गाइडलाइन नहीं पढ़ा पता नहीं है प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है और लेटेस्ट प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग का कोई गाइडलाइन आया तो वो उसको रिसर्च करते हैं समझने की कोशिश करते हैं समझ में आता नहीं है वो आएगा भी नहीं बिकॉज यू हैव टू नो द बेसिक्स अगर आपको पता होना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पूरा सर्कुलर समझना पड़ेगा आई हैव ऑलरेडी डन अ प्रॉपर वीडियो ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अपडेटेड भी है इसी चैनल पे है प्लीज देखिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड द रिलेटेड न्यूज वॉट एवर आर बी आई सेज इज इन द न्यूज वॉट एवर आर बी आई सेज बैंकिंग जो है इंडिया में आरबीआई मैनेज करता है आरबीआई मॉनिटर करता है जो भी आरबीआई कहता है सब लोग सुनते हैं उसे सब लोग उस पर ध्यान देते हैं न्यूज वाले उसका एनालिसिस करते हैं बैंकों को उसकी बात माननी पड़ती है सो रिलेटेड न्यूज़ एनी न्यूज़ रिलेटेड टू द आर बी आई की गाइडलाइन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी टर्म समझनी बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हैं फुल फॉर्म्स एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं वॉट इज अफ कोई भी ऐसे जो भी गाइडलाइंस आर बी आई दे रहा है उससे रिलेटेड ही फुल फॉर्म ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आती हैं बार बार आती हैं एंड मैनी पीपल्स एज़ की चार फुल फॉर्म्स आ गई अब जितनी मर्जी फुल फॉर्म्स पढ़ लीजिए ऐसे लिस्टें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है वॉट एवर इज़ देयर इन द आर बी की गाइडलाइन ऑन द आर बीज वेबसाइट दोज टर्म्स आर इन द एग्जाम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओके अगर आप आर बी की गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ोगे आपको कोई टर्म समझ में नहीं आई यूल का गूगल सर्च आपको समझ आएगी आप पहले मास्टर सर्कुलर पढ़ोगे फिर उसकी गाइडलाइंस पढ़ोगे पढ़ते पढ़ते आपको कुछ एक टर्म्स नहीं समझ में आई आपने गूगल की जैसे कि पिछले एग्जाम में आया था क्रिस्टलाइजेशन पिछले पेपर में जैसे आया था ब्रिज लोन ब्रिज लोन आर की वेबसाइट आर के सर्कुलर्स में से ही ये टर्म्स उठाई गई हैं क्रिस्टलाइजेशन लोन कंसोटियम कंसोटियम क्या होता है जब बहुत सारे लेंडर्स मिलके बहुत सारे लेंडर्स जब पेमेंट जो लोन देते हैं किसी कंपनी को किसी बॉर्वर को तो उनका एक कंसोटियम बना हुआ है इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट वो मिलके काम करते हैं दैट इज़ अ कंसोटियम आपको पता होना चाहिए ये ठीक है आप ये टर्म्स कब समझोगे जब आप आरबीआई के सर्कुलर्स को अच्छे से समझ रहे हो एक एक वर्ड आपको पता है दैट इज़ वाई ऑलरेडी से ये आरबी के सर्कुलर पढ़ने ज़रूरी हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं अच्छे से ऊपर उप, ऊपर से वो न्यूज़ पढ़ के चले जाते हैं चार पांच जो आती हैं वो तो दस मिनट में पढ़ा सकते हैं अगर आपने डिटेल में गाइडलाइंस पढ़ी हैं मास्टर सर्कुलर पढ़े हैं तभी आप ये टर्म्स के आंसर कर सकते हो तभी रिलेटेड न्यूज़ आपको समझ में आएगी नहीं तो बैंकिंग ही समझ में नहीं आएगी सो दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट ओके सो so, बहुत सारा टाइम लगा है यहाँ पे आप इसमें से टेन प्लस क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर इनडायरेक्टली देखें बहुत सारे क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी के बहुत सारे न्यूज़ के गाइडलाइंस ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली भी सात आठ क्वेश्चन आपको देखेंगे इनडायरेक्टली पंद्रह से बीस क्वेश्चन आते हैं कई लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली आई वुड से ओके आप चाहे साठ में से आप गूग आर की वेबसाइट पर सर्च करोगे आपको 40 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे लेकिन वो बहुत डीप में होते हैं लेकिन सर्कुलर और गाइडलाइंस में से पंद्रह बीस क्वेश्चन मार्क्स आपके आ जाएंगे आरबीआई की वेबसाइट इज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड मोस्ट रिलायबल मोस्ट यूजफुल सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल इज आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट अकॉर्डिंग टू मी देन आई एक्ट बहुत सारे एक्ट्स सा हैं वैसे तो एक आध क्वेश्चन कई बार इंडियन स्टैप एक्ट से भी मैंने देखा है बट विच इज़ नॉट वेरी कॉमन अगर ये दो चार आते हैं आई टीच यू डोंट वरी लेकिन बार बार रिपीट होते हैं आई बी सी सर्फ आई सी बैंकिंग रेगुलेशन एंड नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो बार 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 एग्जाम में रिपीट होते हैं नैगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली तीन चार क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन में से चाहे उतने नहीं आते इन दोनों को मिला के जीरो टू टू थ्री क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट में से हर साल क्वेश्चन आना ही आना है बहुत ईजी है देखोगे पढ़ोगे अगर पहले पढ़ा हुआ तो आपको लगेगा नहीं बहुत ईजी है तो मैंने किया हुआ है लेट्स मूव फॉरवर्ड लेकिन पेपर में सेक्शंस पूछ लिए जाते हैं कि सेक्शन सिक्स क्या है या प्रोमिजरी नोट कौन सेक्शन में दिया हुआ है या अभी जो वन सेक्शन वन थर्टी एट आई गेस वो आया था पिछले साल पिछले साल भी तीन चार क्वेश्चन आए थे नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तो बहुत इंपॉर्टेंट है यू कैन एक्सपेक्ट लाइक सेवन एट क्वेश्चन फ्रॉम लॉज आई पर्सनली फॉलो बेयर एक्ट्स आप बेयर एक्ट को फॉलो करता हूँ मैं हमेशा बेयर एक्ट ही पढ़ना चाहिए वो ही पढ़ाता हूँ मैं ठीक है उसके नोट्स बना के हम पढ़ाते हैं आपके पास टाइम नहीं है तो कोर्स को ज्वाइन कीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पिछले साल भी रेशियो एनालिसिस में से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे थोड़े बहुत नोमेरिकल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कैलकुलेटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं ऐसे क्वेश्चन में ठीक है बेसिक क्वेश्चन होते हैं बेसिक इन्फॉर्मे बेसिक आप मैथमेटिक्स के साथ इसको आंसर कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कैपिटल बजटिंग है यहाँ कैपिटल बजटिंग बिना कैलकुलेटर के इसके नोमरिकल ज़्यादा नहीं हो सकते लेकिन वट यू आर सपोज टू डू जो इसकी थ्योरी है काफ़ी पेपर में आती है एंड दैट्स वट वी टीच ब्रेक इवन पॉइंट में से नोमैरिकल्स भी आ जाते हैं अलॉट ऑफ नोमैरिकल्स यू आर गोइंग टू सी इन योर एग्जाम वी टीच दैट ओके बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ बीटा इज़ अ वेरी ईजी नुमेरिकल है बार बार रिपीट होता है रिस्क फैक्टर कैसे बीटा uh, कैसे कैलकुलेट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डेरेवेटिव से रिलेटेड थ्योरी काफ़ी आती है म्यूचुअल फंड कभी कभारे का क्वेश्चन आ जाता है सो दिस इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट न्यूज़ गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू बैंकिंग सारी स्कीम्स जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं इकानमी से रिलेटेड हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनी न्यूज़ रिलेटेड टू बैंकिंग एनी थिंग एनी न्यूज न्यूज सी ई ओ ऑ ऑ ऑ ऑ ऑफ अ बैंक कोई नया सी ई अपॉइंट हुआ है दर इज़ अ न्यूज़ रिलेटेड टू अ मर्जर और एन एक रिट सिटी बैंक का यू नो बिजनस किसने अक्वायर किया है इफ़ दैट इज़ इन द न्यूज़ या कौन सा म्यूचुअल फंड ए एम सी किसी ने अक्वायर कर ली है राइट right? बहुत सारी ऐसी न्यूज़पेपर में आती हैं मर्जर एक्विशन न्यू प्रोडक्ट कोई लॉन्च हुआ है एम ओ यूज़ न्यूज ई यूज़ हेड क्वार्टर्स रेगुलेटरी बॉडीज एबी आर बी आई आई आर डी ए नाबार्ड वट एवर दे आर डूइंगी न्यू चेयरपर्सन हैज़ बिन अपॉइंटेड गवर्नर हैज़ बिन अपॉइंटेड कोई नई न्यूज़ है रिलेटेड टू तो दैट कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो सारा हमें करेंगे और वो करना चाहिए आपको कोर बैंकिंग में से काफ़ी सारे uh, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं Uh, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो शायद मैंने अभी यहाँ मेंशन नहीं करे हैं ड्राइंग पावर में से पिछले साल क्वेश्चन आया था टाइप्स ऑफ लोन लेटर uh, लेटर ऑफ क्रेडिट राइट ऑल दीज टॉपिक्स देवर वेरी पॉपुलर इन द न्यूज़ तो ये इसके बारे में क्वेश्चन आ गए इफ़ यू आर रीडिंग बैंकिंग अगर आप बैंकिंग अच्छे से पढ़ रहे हो आर के सर्कुलर पढ़ रहे हो तो ऐसी कुछ टर्म्स आपको यू विल गो थ्रू सच टर्म्स आपको दिखेंगे ऐसी टर्म्स और उस टर्म्स का मतलब समझना ज़रूरी है दैट्स हाउ आई ट्राई टू टीच वैन आई स्टार्ट विद आर सर्कुलर कोई टर्म आ गई मैं उस टर्म को समझाने की कोशिश करता हूँ और वो पेपर में आती है सो कीप एन आई ऑन ऑन सच टर्म्स सच कोर बैंकिंग Uh, वैसे तो आर सर्कुलर पढ़ रहे हो तो आपका कोर बैंकिंग काफी ऑलरेडी क्लियर हो रहा है लेकिन सर्टन टॉपिक्स आ देर विच वी आर गोइंग टू कवर ओके सो सी बी आई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ सीनियर मैनेजर चीफ मैनेजर कॉर्स इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम्स वेडे डॉट कॉम राइट वी आर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट सिलेबस कवरेज विद द हेल्प ऑफ वीडियो क्लासेज नोट्स क्विजेज टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक पावर कैप्स्यूल्स Uh, live sessions quizzes doubt clearing sessions everything is available on bankexamstudy.com this is my whatsapp number link to join the course is available in that description right list of our successful students all these students that took our courses in the past and they cracked the respective exams related exams are bank of maharashtra journalist officer RRB scale to uh, 2022, 2021, 2020, PNB credit officer exam was and then Bank of Maharashtra journalist officer 2020, all these students that took our courses in the past and they cracked the respective exams, I am really really happy for them, uh, so in case there is any doubt in your mind, please ask your doubts, uh, this is our WhatsApp number 90672-0100, this is a WhatsApp number, in case there is any doubt, ask your doubts and we are going to answer your doubts, okay. Subscribe the channel and like this video because that's really, really important for me. Thank you and have a very nice day. Bye bye.